स्वरूप बनाओ भगवान का, जैसा रूप बना सकते हो मन से वैसा रूप बनाओ। ये मत सोचो कि कोई आर्टिस्ट है वो तो बहुत सुंदर रूप बना सकता है, उसकी कल्पना बड़ी सुंदर सुंदर रूपों की सृष्टि कर लेती है, तो उसको तो बड़े सुंदर भगवान मिलेंगे, और हमें तो कोई ज्यादा चिंतन करना आता नहीं। हम तो जब भी ठाकुर जी का ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पड़ोस में एक काला कलूटा लड़का है तो हमको तो उसी की शक्ल याद आ जाती है कि भगवान काले कलूटे हैं तो ऐसे ही लगते होंगे, तो वो तो रद्दी सद्दी सा रूप है, तो फिर हमसे तो उससे बढ़िया बनता ही नहीं। तो फिर हमें तो इसका मतलब जब भगवत प्राप्ति होगी तो ऐसे ही काले कलूटे रद्दी भगवान मिलेंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं, भगवान तो सबको एक से मिलेंगे, दिव्य चिन्मय स्वरूप से मिलेंगे। आपके अंदर जितनी शक्ति है बस आप उतनी शक्ति लगा दीजिए, जितनी आप कल्पना कर सकते हैं उस प्रकार आप करिए। आपको जब भगवत प्राप्ति होगी तो एक सी होगी, वही दिव्य चिन्मय अनंत कोटि कंदर्प लावण्य युक्त श्याम सुंदर मिलेंगे सबको एक से। इसलिए चिंता करने की बात नहीं, आप जो रूप ध्यान बनाना चाहें, जैसा रूप ध्यान बनाना चाहें वैसा रूप ध्यान बना लीजिए, उसका आपको दिव्य फल प्राप्त होगा। देखिए चार बातें समझ लीजिए, नंबर एक, ये बहुत काम की चीजें बताने जा रही हूं, चार सिद्धांत समझे रहिए। नंबर एक, भगवान को भगवान जान करके मन का प्यार कर देने वाले संसार से पार हो जाते हैं, भगवत धाम आदि प्राप्त कर लेते हैं। जो भगवान को भगवान जान करके प्यार करते हैं, जैसे जनक जी ने राम को देखा, वशिष्ठ जी ने राम को देखा, तमाम गोपियों ने श्री कृष्ण को देखा, तो इन्होंने भगवान जान कर भगवान से प्यार किया। दिव्य स्वरूप दिखाई दिया इनको, तो ये संसार से परे हो गए, भगवत धाम प्राप्त किया। अजी ये तो करेंगे ही, जिसको भगवान का दिव्य चिन्मय स्वरूप दिख रहा है उसके पास तो दिव्य दृष्टि है ही, जो ये जान रहा है कि ये भगवान है, अरे वो तो महापुरुष ही होगा। जिसके पास दिव्य दृष्टि होगी वही भगवान के दिव्य चिन्मय स्वरूप को देखेगा, और जिसके पास दिव्य दृष्टि है वो मायाबद्ध नहीं है। इसीलिए इन लोगों का जो कल्याण हो गया तो इसमें तो कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है, कुछ कहने की बात ही नहीं है। हाँ चलो छोड़ो इनको, अब आइए नंबर दो, भगवान को इंसान मान करके प्यार करने वाले, प्राकृत भावना रख करके, सांसारिक भावना रख करके, यानी माइक समझकर भगवान को जिन लोगों ने मन को एक कर दिया, प्यार कर लिया, वो भी माया से परे हो गए, भगवत धाम आदि की प्राप्ति हुई उनको। जैसे भागवत में सुखदेव परमहंस ने कहा और वेद व्यास ने तो स्पष्ट कह दिया है एक श्लोक में, ज्ञात्वा ज्ञात्वाथ ये वै माम यावान यश्चास्मि यादृशः भजन्त्यनन्य भावेन ते मे भक्ततमामताः। भागवत के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 33वां श्लोक है, भगवान कह रहे हैं कि चाहे मुझे कोई जानकर प्यार करे मेरे स्वरूप को, और चाहे अनजाने में मुझसे प्यार कर ले, दोनों का कल्याण हो जाता है। तो सुखदेव परमहंस ने भी परीक्षित को बताया कि देखो, कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहार्दमेव च
नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। दसवें स्कंद के 29वें अध्याय का 15वां श्लोक। कामाद् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्त्येश्वरे मनः आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः। भागवत 7वें स्कंद के पहले अध्याय का 29वां श्लोक। गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः। भागवत 7वें स्कंद के पहले अध्याय का 30वां श्लोक। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। भागवत 7वें स्कंद के पहले अध्याय का 31वां श्लोक। यानी किसी भी भाव से मन का प्यार हो जाए भगवान से तो भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान नहीं जाना हमने, खाली बेटा मानकर प्यार कर लिया, मेरा बेटा है, बस उस बेटे के भाव से मन एक हो गया, मेरे प्रियतम है, बस भगवान की प्राप्ति होगी। देखो स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मत कामारमणम जार मस्वरूप विदो बलाह ब्रह्म माम परमं प्रापु संगात छत सहस्रशः। भागवत के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का 13वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं, गोपियां मेरे स्वरूप को नहीं जानती थी कि मैं भगवान हूं। कुछ गोपियां जानती भी थी, जब महाराज से भगवान अंतर्धान हो गए तो उन गोपियों ने कहा, न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहि नामंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान सात्वताम कुले। भागवत 10वें स्कंद के 31वें अध्याय का 4था श्लोक। ये गोपियां कह रही हैं, मैंने आपको पहले भी बताई थी ये बात, कि हे श्री कृष्ण तुम ये मत समझना कि मैं नहीं जानती हूं तुम कौन हो। अरे मैं सब जानती हूं, मुझे धोखा नहीं दे सकते तुम। तुम कौन हो, संसार में क्यों आए हो, ये सब मुझे मालूम है। देखो ये गोपियां जानती थी कि श्री कृष्ण कौन है, लेकिन लाखों गोपियां ऐसी थी जो भगवान के स्वरूप को नहीं जानती थी। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। सुखदेव परमहंस ने भी परीक्षित से कहा, तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगताः जहुर गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीण बंधनाः। 10वें स्कंद के भागवत का 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 11वां श्लोक। ये गोपियां भगवान को जानती नहीं थी, लाखों ऐसी थी, इन्होंने जार बुद्धि से प्रेम किया, जैसे कोई कुल्टा स्त्री चोरी चोरी किसी पर पुरुष से प्रेम करे, ऐसा प्रेम। और बड़े कड़े शब्दों में उसको भागवत में वेदव्यास ने बताया, क्वेमा स्त्रियो वन चरीर व्यभिचार दुष्टाः कृष्णे क्वचैष परमात्मनिरूढ़ भावः नन्वीश्वरोऽनुभजतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्त। भागवत 10वें स्कंद के 47वें अध्याय का 59वां श्लोक। कहां ये व्यभिचारिणी और वनचरी
यानी जंगली जाति भी रद्दी और स्त्रियां, स्त्री शरीर निंदनीय, कहां ये व्यभिचारिणी जंगली स्त्री शरीर वाली गोपियां और कहां परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं भगवान। और इन लोगों ने बिना जाने प्यार किया उनसे, खाली बस एक लड़का देखा सुंदर सा, मन नहीं माना और प्यार हो गया, मन बिक गया उसके हाथ। ऐसा प्यार गोपियों ने किया चोरी चोरी बिना भगवान का स्वरूप जाने, लेकिन सब गोलोक गई। क्यों? जब इन्होंने भगवान के स्वरूप को नहीं जाना तो ये गोलोक कैसे चली गई, इनको भगवान का फल कैसे मिला? तो उसका उत्तर देते हैं दूसरी पंक्ति में इसी श्लोक की, कि नन्दीश्वरोऽनुभजतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्तः। देखो आप लोग दवा खाते हैं? हाँ खाते हैं। आपको मालूम है ये दवा कैसे बनी है? अरे ये किसको मालूम है भला, ये तो जो दवाई बनाता है उसी को मालूम होता है। एक आदमी को डॉक्टर्स भी नहीं जानते कि ये दवा कैसे बनी है, वरना वो स्वयं ना बना ले दवा। तो पेटेंट औषधियां होती हैं, बनाने वाला आदमी ही जानता है। हम काहे को दिमाग खराब करें ये दवा कैसे बनी है, हाँ हम ये सब नहीं जानते। लेकिन आपको दवा फायदा करती है ना? हाँ जी, फ्लू हुआ हमको, बुखार हुआ, हमने वो दवा ली, हम तो डॉक्टर के पास चले गए थे बस, और हमने डॉक्टर को बता दिया कि ऐसे ऐसे हमको बीमारी है। डॉक्टर ने कहा तुमको फ्लू हो गया है, और डॉक्टर ने एक पर्चे पर हमको दवाई का नाम लिख दिया, और फिर उसको लेकर के हम गए मेडिकल स्टोर, और फिर हमने वहां से दवाई को खरीदा, और फिर हमने उसके डॉक्टर ने जैसे बताया था उसके अनुसार हमने दवाई पी ली, और उसके बाद हमारा बुखार ठीक हो गया। तो आप ये नहीं जानते थे कि दवा कैसे बनी है, लेकिन दवा ने आपको लाभ पहुंचाया। हाँ, और डॉक्टर को फ्लू हुआ, उसने दवा पी, उसका भी बुखार ठीक हुआ, हाँ उसको भी लाभ पहुंचाया। और जिसने बनाया था दवा उसको भी बुखार हुआ, और उसने भी वो दवा पी, तो उसको भी दवा ने लाभ पहुंचाया उसी प्रकार। हाँ जी, उसी प्रकार लाभ पहुंचाया। यानी दवा ने इसमें कोई अंतर नहीं किया। जितना लाभ दवा के जानकार ने पाया दवा से, उतना ही लाभ दवा के अनजान लोगों ने, जिनको नहीं मालूम कि दवा कैसे बनी है, उनको भी दवा ने उतना लाभ पहुंचाया। एक कोई स्त्री है, वो चाहे 16 श्रृंगार करके सती होने के लिए अग्नि में बैठ जाए, अग्नि उसको भी अपना रूप दे देगी, और चाहे खाना बनाते समय आग पकड़ ली, ऐसा होता है ना कई बार भोजन बनाते समय आग पकड़ जाती है स्त्रियों के कपड़ों में, अब वो स्त्री भाग रही है, हे अग्निदेव हम तुम्हारा रूप नहीं चाहते, अग्नि करे कहती है तुम चाहो ना चाहो हम तो अपना काम करेंगे। अग्नि अपना काम करेगी? जहर को चाहे जानबूझ करके कोई पिए आत्महत्या करने के लिए तो भी मरेगा, और चाहे अनजाने में किसी को घोल के पिला दिया वो भी मरेगा। क्यों जी, हमें तो मालूम नहीं था इस दूध में जहर है, हम क्यों मरे? मरना पड़ेगा, क्योंकि तुमने जहर पिया है। जानने न जानने से मतलब नहीं, जहर अपना काम करेगा। न वस्तु शक्तिर बुद्धिमपेक्षते, ये सिद्धांत है कि वस्तु की शक्ति हमारी भावना की अपेक्षा नहीं करती, वो अपना काम करेगी। तो ऐसे ही जिन लोगों ने भगवान को जानकर प्यार किया उनको भी गोलोक मिला, लेकिन जिन्होंने नहीं जाना कि ये भगवान है, लेकिन मन का प्यार हो गया, तो चूंकि वो भगवान थे इसीलिए भगवान का फल मिला और वो गोपियां सब गोलोक गई। इसीलिए भागवत कहती है, भगवान कहते हैं कि ज्ञात्वा ज्ञात्वाथ
ये वै माम यावान यश्चास्मि यादृशः भजन्त्यनन्य भावेन ते मे भक्त तमामताः। चाहे मुझे जानकर प्यार करो, चाहे अनजाने में प्यार करो, अगर मुझसे प्यार किसी का हो जाता है, मन का एकत्व हो जाता है, तो मेरी प्राप्ति होगी, उसको उसका कल्याण होगा। अरे कंस ने तो दुश्मनी के भाव से कर लिया, लेकिन देखो वो भी मायातीत हो गया, भगवान के लोक में गया। तो किसी भी भाव से मन का एकत्व हो जाए, अगर भगवान में जान के हो चाहे अनजाने में हो, तो भगवान चूंकि दिव्य चिन्मय है, इसीलिए दिव्य चिन्मय फल मिलेगा और वो जीव माया से परे हो जाएगा। ठीक, अब ये दो सिद्धांत आप समझ गए। नंबर एक, भगवान को भगवान जानकर प्यार करने वाले माया से परे हो जाते हैं, और नंबर दो, भगवान को इंसान समझकर, प्राकृत मायिक समझ करके प्यार करने वाले भी, मन का एकत्व कर देने वाले भी माया से परे हो जाते हैं। हाँ, अब सुनिए तीसरा सिद्धांत, ये आप लोगों के काम की चीज है।